आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि 750 केवीए के जनरेटर पर हम मैक्सिमम कितना किलोवाट या फिर एम्पियर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर किलोवाट या फिर एम्पियर निकाल सकते हो। इंटरव्यू में अक्सर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम लोग एक बड़ी सी कैलकुलेशन करें और उसके बाद हम लोग अपना कोई भी आंसर निकालें। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किलोवाट या फिर एम्पियर कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से किलोवाट और एम्पियर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्पियर निकालेंगे। तो एम्पियर निकालने के लिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 750 केवीए के डीजी सेट का। तो 750 केवीए का डीजी सेट, इसमें हमको अगर एम्पियर निकालना है कि भाई हम इसमें मैक्सिमम कितना एम्पियर लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा केवीए गुणा 1000 अपॉन में वोल्टेज गुणा में √3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें केवीए गुणा में 1000 करने की जरूरत क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, हमको इस केवीए को वीए में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, केवीए को वीए में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इस केवीए को वीए में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा करंट निकलेगा वो निकलेगा हमारा किलो एम्पियर में। ठीक है, वो हमारा करंट किलो एम्पियर में निकलेगा, लेकिन उसके बाद जब हम इसको एम्पियर में इसको हमको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें बाद में लास्ट में फिर से भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम इसको स्टार्टिंग में ही केवीए को 1000 से गुणा कर देते हैं और 1000 से गुणा करने के बाद हम इसको वीए में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 से भाग देने का मेन मकसद ये होता है कि जो हमारा केवीए है, केवीए को अगर हम वीए में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हमको इससे गुणा करना पड़ता है। 1000 से गुणा करने का मतलब यह है कि हमको इस के को खत्म करना पड़ता है। किलो का मतलब होता है 10^3 या फिर 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू में रख दिया और √3 की जो वैल्यू होती है हमारी, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये होगी हमारी वैल्यू। तो चलो, इस फॉर्मूले में हम लोग 750 केवीए को और हमारा जो जनरेटर होता है उसका आउटपुट जो होगा, अगर 3 फेज का जनरेटर है तो उसका आउटपुट होगा हमारा लगभग 415 वोल्ट, और पावर फैक्टर जो डीजी का पावर फैक्टर होता है वो सभी डीजी का फिक्स पावर फैक्टर होता है और वो होता है 0.8। इसका जो अल्टरनेटर है उसको 0.8 पावर फैक्टर के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो इस वैल्यू में अगर हम यहाँ पे देखिए केवीए रखते हैं तो करंट निकालने के लिए सिंपल, हम जो केवीए हमारा वो 750 है, तो यहाँ पे 750 लिख देता हूँ गुणा 1000, वोल्टेज हमारी 415 वोल्ट है और √3 की वैल्यू है हमारी 1.732। तो 750 को अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो 750 और 1000 30 है, 30 और आगे लग जाएंगी इसकी। उसके बाद 415 को अगर मैं नीचे 1.732 यानी कि 1.732 से अगर मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पे ये आएगा मेरा 718.78 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको क्या काम करेंगे, हम इस 75 और 40 जो यहाँ पे है 750,000 को 718.78 से जब मैं भाग दूंगा तो भाग देने पे जो हमारा करंट आएगा वो आएगा 1043.43 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट आया, ये आया हमारा 100% लोड पे। तो देखिए, हम क्या काम करते हैं, हम कभी भी अपने डीजी को 100% लोड पे कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 100% लोड पे कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो हमारा जो अल्टरनेटर होता है उस अल्टरनेटर की इफिशियंसी कम हो जाती है। अभी क्या होता है कि जब इस अल्टरनेटर को अगर हम 100% लोड देंगे तो इसकी इफिशियंसी तो कम हो ही जाएगी। मान के चलिए कि हमारा अल्टरनेटर 5 साल चलने वाला है, अगर हम इस पे कंटिन्यू 100% ही अगर हम इसमें लोड कनेक्ट करके रखेंगे तो ये सिर्फ 2 ही साल चलेगा। तो अल्टरनेटर की इफिशियंसी को, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इसमें सिर्फ 80% ही लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा जो 100% लोड यहाँ पे आ रखा है इसका हम 80% निकालते हैं। तो I equal to 1043.43 गुणा में 80/100 अगर हम करेंगे तो जो हमारा करंट निकलेगा वो निकलेगा 834 एम्पियर। ठीक है, लगभग 834 एम्पियर या लगभग 835 एम्पियर निकलेगा, ये पॉइंट के बाद 74 है, तो ये 835 एम्पियर हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 80%। तो हम 750 केवीए के जनरेटर को मैक्सिमम 835 एम्पियर करंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर हमको यहाँ पे किलोवाट निकालना है कि भाई 700 जो हमारा 750 केवीए का हमारा जो जनरेटर है उस पर हम कितना किलोवाट लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई हमारा पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा √3VI पावर फैक्टर। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर, आप इसको cos 5 भी बोल सकते हो। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल हम क्या काम करेंगे, √3 की वैल्यू, जैसे कि आपको पता ही है √3 की वैल्यू होती है 1.732, और वोल्टेज हमारा यहाँ पे 415 है, करंट हमने अभी निकाला है यहाँ पे, करंट हमारा 835 एम्पियर है। ठीक है, 835 एम्पियर करंट है और पावर फैक्टर हमारा 0.8 dg का फिक्स रहता है। तो अगर हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे किलोवाट निकल आएगा। तो इस सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 480,135। ठीक है, यानी कि 480,135 वाट। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 480,135 वाट आ गया। तो अभी इस 480,135 वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 3 0 है, तो 3 वैल्यू से पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 480 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे केवीए से किलोवाट यहाँ पे सिंपल हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि अगर आपको केवीए दिया गया है, और आपको किलोवाट निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, सिंपल किलोवाट निकालने के लिए केवीए को पावर फैक्टर से गुणा कर देंगे। अगर आप केवीए को पावर फैक्टर से गुणा कर देंगे तो आपका किलोवाट निकल जाएगा। तो चलिए 750 यहाँ पे मेरा केवीए है, पावर फैक्टर 0.8 रहेगा, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे तो ये आ गया मेरा 600। ठीक है, ये मेरा 600 आ गया। अभी इसका मैं 80% निकालता हूँ, तो 600 गुणा में 0.8 कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा आता है, ठीक है, यहाँ पे 600 गुणा में अगर मैं 0.8 करूंगा तो ये मेरा आएगा 480 किलोवाट। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप केवीए से किलोवाट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको केवीए दिया गया है और आपको अगर करंट निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, अभी यहाँ पे अगर हमको केवीए है और करंट निकालना है तो हम सिंपल क्या काम करते हैं, हम इस केवीए से सबसे पहले हम किलोवाट निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल लिया 480 किलोवाट आ रहा है। अगर केवीए है और हमको करंट निकालना है तो हम सबसे पहले उस केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद किलोवाट को गुणा कर देंगे हम यहाँ पे √3 से। किलोवाट को √3 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे करंट निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 480 किलोवाट हमारा यहाँ पे पावर है और यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। तो मैं यहाँ पे 480 को 1.732 से अगर गुणा करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 831 एम्पियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पावर से किलोवाट से अगर हमने इसको गुणा किया 1.732 से गुणा किया तो 831 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन करी थी उससे आ रहा था हमारा लगभग 835 एम्पियर, तो लगभग सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डीजी से मैक्सिमम किलोवाट और एम्पियर निकाल सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डीजी पर हमेशा 80% ही लोड कनेक्ट करते हैं, 100% लोड हम कभी भी कनेक्ट नहीं करते। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से लेकर के तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर कमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम आपके लिए सेम वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।